सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नेटफ्लिक्स पे इस महीने यानी कि अक्टूबर 2018 में काफी सारी हॉरर मूवीज और टीवी सीरीज रिलीज हो रही हैं। और क्यों ना हो, हर साल अक्टूबर महीने में यूएस में हैलोवीन जो सेलिब्रेट किया जाता है। सो जहां पर थिएटर्स में हैलोवीन, गूज़बम्प्स 2, हॉन्टेड हैलोवीन जैसी मूवीज रिलीज हो रही है, वहीं पर नेटफ्लिक्स भी पीछे नहीं है। अपोजल, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, मेलोवेलन, हॉन्टेड सीजन 1, द चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना जैसी मूवी और टीवी सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस टीवी सीरीज का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और मेरी तरफ से आप इस टीवी सीरीज को बिल्कुल न मिस करें, क्योंकि मुझे ये टीवी सीरीज बहुत अच्छी लगी। ऑफकोर्स बाकी की मूवीज और टीवी सीरीज को भी मैं जरूर रिव्यू करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपोसल। अपोसल मूवी को डायरेक्ट किया है गैरेथ इवांस ने, जिन्होंने काफी हिट और वियर्ड मूवीज भी बनाई हैं, जैसे कि द रेड 2, वीएचएस 2 एक्सेट्रा। सो यही रीजन था जब इतने सारे मूवीज और टीवी सीरीज रिलीज हुए हॉरर के नेटफ्लिक्स पर इस महीने, तो मुझे डिसाइड करना था कि मैं पहले कौन सा देखूं, क्योंकि ये डायरेक्टर काफी अच्छे हैं और काफी हिट मूवीज बनाई हैं। तो मैंने सोचा कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिज मूवी इटसेल्फ विद अपोसल। मूवी सेट है 1905 में, जहां पर एक लड़की जेनिफर को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के लिए वो उनके पिताजी से रैंसम मांगते हैं, मगर उनके पिताजी की इतनी हालत नहीं है कि वो जा सके वहां। सो उनके बेटे थॉमस जाते हैं अपनी बहन को छुड़ाने। अब जहां पर थॉमस जाते हैं वो एक आइलैंड है। जब वो उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उनको काफी अजीब अजीब चीजें पता चलती हैं, और इनको ये कंफर्म भी हो जाता है कि ये भले ही इन लोगों को पैसे दे दे तो भी ये लोग इनकी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण ये अपनी आइडेंटिटी भी इन लोगों से छुपा कर रखते हैं और किसी भी तरह अपनी बहन को चुपचाप वहाँ से छुड़ा कर ले जाने की प्लानिंग करते हैं। अब क्या अपनी बहन को थॉमस छुड़ा पाएंगे या नहीं, और ऐसी क्या सच्चाई पता चलती है थॉमस को जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हिल जाते हैं, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये हॉरर मूवी। मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 12 अक्टूबर 2018 को और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। ये मूवी 1905 में बेस्ड है और उस हिसाब से इसका लोकेशन भी काफी अच्छा है। ये पूरी मूवी एक आइलैंड पर शूट की गई है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। इनके लीडर है मैल्कम, जिनका किरदार निभाया है माइकल शीन ने। इस आइलैंड जिसका नाम है एरिस्डन, इसके अपने ही रूल्स हैं, जैसे कि आप कोई भी किताब नहीं लेकर जा सकते यहाँ, ये लोग ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते, मगर अगेन बगावत करने के बाद में यानी कि ब्रिटिश सरकार से बगावत करने के बाद में इनको डेली रूटीन के लिए, डेली चीजों के लिए, आई मीन लाइक डेली ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, जो कि अगेन इस आइलैंड की जमीन पर नहीं उग रही, क्योंकि जितनी भी फसल ये उगाते हैं सब सड़ जा रही है किसी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से। इसीलिए ये लोग जेनिफर को किडनैप करते हैं ताकि उस पैसे से वो अपने लोगों का गुजारा कर सके, मगर अगेन इस आइलैंड के लोगों को, जो कि एक तरह के कल्ट के लोग कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक अलग ही भगवान को ये लोग फॉलो करते हैं, इन लोगों को और भी बुरी चीज झेलनी है, और वो तब झेलनी है जब कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स इस मूवी की स्टोरी को पूरा घुमा कर रख देते हैं, जहाँ पर ये कल्ट आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच में हमें कुछ खतरनाक ग्राफिकल सीन्स, ग्राफिकल वॉयलेंस सीन्स देखने को मिलते हैं। ये मूवी अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की है और स्टार्टिंग के 1.5 घंटे तक आइलैंड पे रह रहे लोगों के बारे में, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो क्या क्या ट्रेडिशंस या क्या क्या कल्ट फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते रहती है। जहां पर मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि यार 1.5 घंटा हो गया कुछ देखने को नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये मूवी बोकस है और कुछ नहीं, क्योंकि बस थोड़े जंप स्केयर्स के अलावा मूवी ने अभी तक कुछ भी ऑफर नहीं किया था। बट लास्ट का हाफ आवर मूवी का इतना फिजिकल एक्शन पैक्ड था कि क्या कहूँ। सर से भेजा निकल जाने के सीन से लेकर शरीर को चीर फाड़ देने वाले सीन्स है इस मूवी में। ये मूवी मैंने इस मूवी के डायरेक्टर गैरेथ इवांस और इस मूवी के एक्टर डैन स्टीवंस की वजह से देखी। वैसे तो इन्होंने काफी सारी मूवीज में काम किया है, मगर इनकी मूवी द गेस्ट ने मुझे पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया था। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो ट्रस्ट मी, आप एक बहुत ही अच्छी एक्शन पैक्ड मूवी मिस कर रहे हैं। इस मूवी में डैन ने थॉमस का काम किया है, जिनकी अपने पिता से जमती नहीं, और इनकी बहन को भी लगता है कि ये मर चुके हैं, ये किसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि मूवी में काफी सारे सीन्स में हम इनको दवा लेते हुए भी देख सकते हैं। जब इनको बीमारी का झटका आता है तो जिस तरीके से ये फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे थे और दवा ले रहे थे, मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि ही इज सम काइंड ऑफ वैम्पायर, और मैंने सोचा कि यार मूवी इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, बट लास्ट में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज नॉट अ वैम्पायर, क्योंकि बेसिकली वो दिन में आराम से घूम रहे थे, और जो मूवी फैंस होंगे उनको पता होगा कि वैम्पायर्स कैन नॉट रोम इन ब्रॉड डेलाइट। सो वहां पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया यार, कि अगर थोड़ा ऐसा ट्विस्ट होता तो और मजा आता। इस मूवी को देखने के बाद में मुझे एक चीज का एहसास हुआ, और वो ये कि भले ही फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट है, भले ही कुछ कमियां हैं, कहीं कहीं पर अच्छी है, कहीं कहीं पर बुरी है, बट स्टिल द गवर्नमेंट हैज मेंटेन्ड दैट पीस। लोगों के अंदर डर रहता है कि अगर वो कुछ गलत काम करे
करेंगे तो देर इज दिस गवर्नमेंट दैट विल हैंडल देम। तो भले ही कैसा अप एंड डाउन चल रहा है बट एक सिस्टम बराबर फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो एंटायर थिंग विल कोलैप्स। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो सब अपनी मनमानी करेंगे। कुछ इसी चीज को इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जब ये लोग एक आइलैंड पे रहते हैं, ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने ही एक भगवान को मानते हैं जो कि एक भगवान भी नहीं होता है, कुछ और ही होता है। वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्ली मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा तो इट विल बी अ स्पॉइलर, सो लेट्स स्किप दैट। तो अलग भगवान होता है, अलग अपना ही इनका एक कानून होता है, तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता, एक स्टेबल कानून नहीं होता एक छोटे से आइलैंड पे। तो धीरे धीरे कैसे जब मूवी आगे बढ़ती है तो ये लोग एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं और आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। सो एक पल के लिए लगा कि भले ही हमारी गवर्नमेंट कैसी भी है यार, बट एक स्टेबल गवर्नमेंट है, कुछ चीजें स्टेबल चल रही हैं, जब वो भी नहीं होगा तो वो चीजें भी तितर बितर हो जाएंगी। ये मूवी देखने के बाद में मुझे इस चीज का लिटरली एहसास हुआ। मूवी की एंडिंग काफी ट्विस्टेड थी और मुझे 50% तक मूवी की एंडिंग बहुत अच्छी लगी। शायद से आपको मूवी की एंडिंग समझ में ना आई हो, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछें और मैं रिप्लाई करूंगा। मैं वीडियो में नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ स्पॉइलर, और जिनको स्पॉइलर नहीं चाहिए सो प्लीज डोंट गो एंड रीड द कमेंट्स, वरना स्पॉइलर यू नो आपको पता चल जाएगा। सो जस्ट गो एंड आस्क मी एंड आई विल आंसर दैट। सो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की ये मूवी भले ही स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में सिर्फ टेंशन बिल्डअप करने के अलावा कुछ नहीं करती, मगर लास्ट के आधे घंटे में कुछ क्रेजी एक्शन वायलेंस सीन भर कर हमें दिखाती है जो हमें जरूर इम्प्रेस करती है। मैं इस मूवी को पहले 5.5 रेट करने वाला था स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के हिसाब से मूवी के, बट लास्ट का आधा घंटा देखने के बाद में आई रियलाइज नो दिस मूवी डिजर्व्स अ लिटिल मोर। येट आई वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड इन दिस मूवी, बट इट इज अ डीसेंट वन टाइम वॉच मूवी, तो इट डजंट पासेस थ्रू कि आपको यह देखना ही चाहिए, बट अगेन इट इज योर डिसीजन। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी अपोसल का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।